हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्रोपॉइस क्लासेस. आई एम सुरभि और करंटली हम लोग कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी. आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर की. जैसे आप बोर्ड पे देख सकते हैं, यहाँ पे आज हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर. तो आज हम इस सेक्टर का फीचर्स क्या होते हैं, क्या इसका रोल होता है, क्यों ये इंडियन इकोनॉमी में, हमारी इकोनॉमी में इतनी इम्पोर्टेंस होल्ड करता है, आज हम बात करेंगे इस सब की. तो स्टार्ट करेंगे हम, और बोर्ड पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन है तो बेटर रहेगा कि आप इसको एक बार देख लें, पॉज करें, स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि ये सब इन्फॉर्मेशन आपके साथ रहे. तो कुछ बेसिक्स की बात करते हैं. जो जब भी हम एग्रीकल्चर का नाम लेते हैं तो हमको बताए जाते हैं कि हाँ ऐसा होता है इंडिया में, एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा होता है, उसमें क्या होता है. तो बेसिक जो हमें सबसे पहले बताया जाता है वो है 2/3 पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. हमारी जितनी पॉपुलेशन है उसका 2/3 हिस्सा एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, कम्प्लीटली, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली, कैसे भी हो, पर ये टोटल पॉपुलेशन, 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है. दूसरा, 70% पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरियाज. जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है उसका 70% लोग या 70% ऑफ द पीपल, दे लिव इन रूरल एरियाज. तो रूरल एरिया में अगर रहते हैं तो वहाँ पे उनका मेन सोर्स क्या है इनकम का, एग्रीकल्चर. ये सब हमें बस जानना ज़रूरी है कि क्यों एग्रीकल्चर इतना इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, ठीक है. तो अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के फीचर्स की, कि फीचर्स क्या है इस सेक्टर के, ओवरऑल यहाँ पे क्या होता है, क्या नहीं होता, ये सारी बात. तो सबसे पहले जैसे ही हम एग्रीकल्चर सुनते हैं दिमाग में क्रॉप्स आती होंगी कि यहाँ पे क्रॉप्स मिलती हैं. तो हमारा पहला फीचर भी यही है, ह्यूज वेराइटी ऑफ क्रॉप्स. क्रॉप्स की बहुत वैरायटी होती है, चाहे सीरियल हो, नॉन सीरियल हो, पल्सेस हो, ऑयल सीड हो, एंड कैश क्रॉप्स भी. शुगर केन हो गया, कॉटन, जूट, पोटैटो, फूड क्रॉप्स अलग हो गई, कैश क्रॉप अलग हो गई. तो क्या हो रहा है, आपको एग्रीकल्चर में जाके क्रॉप की वैरायटी बहुत तरीके की मिलती है. ये उसका पहला फीचर है. दूसरा, आउटपुट डिपेंडेंट ऑन नेचुरल फैक्टर्स. अब आपकी क्रॉप्स उगेंगी नहीं उगेंगी, कितना आउटपुट आएगा, उसमें से कितनी ठीक होंगी, कितनी खराब होंगी, ये सब डिपेंड करता है आपका नेचुरल फैक्टर्स पे. जैसे बारिश, अगर आपको एक्सपेक्टेड है आपकी क्रॉप को इतना बारिश मिलनी चाहिए पर उस सीजन बारिश नहीं हुई, तो आपका आउटपुट वैसा नहीं आएगा जैसा आपने सोचा था. तो बारिश पे डिपेंड करता है, सूखा पड़ जाने पे, ड्रॉट पे डिपेंड करता है, फ्लड पे डिपेंड करता है आपकी क्रॉप्स खराब हो जाती हैं. तभी जब ये नेचुरल कलामिटीज़ आती हैं तो हम सबसे पहले फार्मर्स के बारे में वरी होते हैं, हम अपनी क्रॉप्स के बारे में परवाह करते हैं कि वो अफेक्ट हो जाएंगी. तो एग्रीकल्चर का आउटपुट डिपेंड करता है नेचुरल फैक्टर्स पे. फिर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर पुअर फार्मर. जो गरीब फार्मर हैं उनके लिए तो उनके जीने का जरिया, उनकी इनकम, उनका सब कुछ ही एग्रीकल्चर है. तो एग्रीकल्चर इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि रूरल एरिया में 70% ऑफ द पॉपुलेशन रहती है, ये हमने यहाँ से समझा. तो जो लोग वहाँ रहते हैं वो अपनी इनकम भी वहीं से जनरेट करते हैं और वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट होते हैं अपने सोर्स ऑफ लाइवलीहुड के लिए. देन 3/4 लैंड होल्डिंग स्मॉल साइज. क्योंकि हम फीचर्स समझ रहे हैं एग्रीकल्चर के कि वहाँ पर क्या है, कितना है, तो वहाँ की जो लैंड होल्डिंग है ना उसमें से 3/4 हिस्सा यानी 3/4 ऑफ द लैंड होल्डिंग स्मॉल साइज की है. ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े लैंड है. तो जब आपके पास कल्टिवेशन करने के लिए लैंड ही छोटे हैं तो आपके आउटपुट बहुत ज़्यादा नहीं आ पाते या जिस तरीके से आने चाहिए, क्योंकि आपका जो लैंड होल्डिंग साइज है वो ओवरऑल स्मॉल है. देन वे ऑफ लाइफ. वे ऑफ लाइफ से यहाँ पे क्या मतलब है, क्या होता है कि एग्रीकल्चर ना लोगों के लिए, अगर आप जाएंगे और फार्मर्स से बात करेंगे तो उनके लिए ये उनका जीने का जरिया, जीने का तरीका, इनकम आने का तरीका, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम आर कंसर्न कि उनके लिए जो उनका ओवरऑल खाना मिलता है, जो वो ग्रो करते हैं वही वो खाते हैं. दे आर बेसिकली ग्रोइंग फॉर सेल्फ सस्टेनेंस, ना कि कमर्शलाइज करने के लिए. ये उनका मेन एम नहीं होता कि जाएंगे और मार्केट में बेचेंगे. पहला उनका एम होता है खुद का गुजारा करना, सेल्फ सस्टेनेंस. इसीलिए ये उनका जीने का तरीका है और यही उनकी वे ऑफ लाइफ है एग्रीकल्चर रूरल सेक्टर में. देन लिटिल यूज़ ऑफ मशीनरी. मशीनरी का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है एग्रीकल्चर सेक्टर में. जैसे हमने समझा कि इतनी पॉपुलेशन वहाँ पे ऑलरेडी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, जितने शायद लैंड साइज नहीं है उससे ज़्यादा पॉपुलेशन उनको लेनी पड़ती है, एब्जॉर्ब करनी पड़ती है. तो मशीन का बहुत ज़्यादा रोल वहाँ पर नहीं है. ये थे हमारे फीचर्स एग्रीकल्चर सेक्टर के, कि एग्रीकल्चर सेक्टर में बेसिकली क्या है, कैसा है, क्यों है ये. अब हम बात करेंगे इसका रोल. ये बहुत क्रूशल एस्पेक्ट है कि क्यों हम एग्रीकल्चर सेक्टर पे इतना डिपेंडेंट हैं या हम एग्रीकल्चर सेक्टर को
इतना ज़्यादा वैल्यू करते हैं. सबसे पहले अगर किसी के बारे में सोचते हैं इकोनॉमी में कुछ भी हो रहा है तो हम एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में सोचते हैं. क्यों इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे इंडिया में, हम इसकी बात करेंगे. तो पहला पॉइंट है शेयर इन नेशनल इनकम. क्या है कि हमारी कंट्री में ना एग्रीकल्चर सेक्टर का जो शेयर है नेशनल इनकम में, जो कंट्रीब्यूशन है, वो बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले बहुत ज़्यादा है. इवन 1950 टू 51 में तो 50% नेशनल इनकम जो थी वो एग्रीकल्चर से आ रही थी. यानी आधी जो आपकी टोटल नेशनल इनकम थी उस ईयर में, उसका आधा हिस्सा एग्रीकल्चर से था. पहले बहुत ज़्यादा नहीं थी, एस्टिमेट्स बहुत क्लियर नहीं आ पाते थे उस टाइम पे, लेकिन जितनी भी थी उसका भी 50% कौन कंट्रीब्यूट कर रहा था? एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट कर रहा था. तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप वो 50% हिस्सा हटा दें तो आपकी कुछ नेशनल इनकम बचेगी ही नहीं. तो एग्रीकल्चर कितना मेजर पार्ट प्ले कर रहा है ओवरऑल नेशनल इनकम की कॉन्ट्रीब्यूशन में. प्रेजेंटली भी आपका ये ह्यूमन डेवलपमेंट का जो भी रिपोर्ट होती है और जिस भी इकोनॉमिक सर्वे में आपके डेटाज आते रहते हैं तो वो अपडेट होते रहते हैं. तो प्रेजेंटली आपका जो है ये कॉन्ट्रीब्यूशन जो एग्रीकल्चर का है वो 17.5% है ग्रॉस वैल्यू एडेड में. ग्रॉस वैल्यू एडेड हमने देखा था नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का एक तरीका था. तो ग्रॉस वैल्यू एडेड में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है प्रेजेंटली एग्रीकल्चर का? 17.5%. आपको लगेगा कि ये तो कम है, 1950 में तो 50% था, बट ऐसे नहीं है. क्योंकि जब हम उसको कंपेयर करेंगे बाकी कंट्रीज से, आप देखो यूके में 2% है, सिर्फ 2% कॉन्ट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का नेशनल इनकम में. यूएसए में 4% है सिर्फ, जापान में 5% है सिर्फ. तो यानी एग्रीकल्चर सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन कोई बहुत ज़्यादा नहीं है हर कंट्री में, पर हमारी कंट्री में बहुत है. इसलिए हमारी कंट्री में ऑब्वियसली आपकी नेशनल इनकम में जो भी सेक्टर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है आपके लिए, तो वो सेक्टर इंपॉर्टेंट हो गया ना, क्योंकि वो इनकम जनरेट करके दे रहा है आपको. तो यहाँ पे भी यही सीन है. यहाँ पर क्या हो रहा है कि एग्रीकल्चर इसलिए इतना इंपॉर्टेंस होल्ड कर रहा है क्योंकि नेशनल इनकम में उसका कॉन्ट्रीब्यूशन बाकी कंट्रीज़ के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा है. इवन बाकी सेक्टर्स के कंपेरिजन में भी एग्रीकल्चर का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है. ये एक पॉइंट. उसके बाद शेयर इन एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट में कितने, जो टोटल एम्प्लॉयमेंट हो रही है हमारी कंट्री में जनरेट हो रही है उसमें से 46.1% खाली एग्रीकल्चर में जनरेट हो रही है. यानी एग्रीकल्चर सेक्टर 46.1% लोगों को एब्जॉर्ब कर रहा है और रोजगार दे रहा है, एम्प्लॉयमेंट दे रहा है. तो 46 तो बहुत हो गया. पहले ही अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम से हम बहुत परेशान हैं हमारी इकोनॉमी में. जो मेजर प्रॉब्लम कही जाती है इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारे इश्यूज़ जब आप न्यूज़पेपर में कभी भी आते होंगे टर्म, तो आपको इन्फ्लेशन दिखता होगा. अनएम्प्लॉयमेंट तो एक बेसिक है ही प्रॉब्लम जो है इकोनॉमी की. तो आप देख रहे हैं कि उसमें भी जो पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों को काम नहीं मिल रहा, और जितने लोगों को मिल रहा है उसमें से भी 46.1% एग्रीकल्चर में. तो इसका मतलब एग्रीकल्चर कितना इंपॉर्टेंट है. अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को हम इम्पोर्टेंस ना दें, अगर हम इसको निग्लेक्ट करें 46.1% को, तो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट ही अनएम्प्लॉयमेंट है, तो प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती हैं. तो इसलिए हम एग्रीकल्चर को इस लेवल की इंपॉर्टेंस देते हैं. क्यों? आप देखो यूएसए में देखो खाली 1.1% एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है एग्रीकल्चर. आप यूके में देखो खाली 1.6, और हमारी में देखो 46.1%. ओके, सो आपको ये डेटा देख के समझ आ जाएगा कि हमारी कंट्री में, इंडिया में एग्रीकल्चर की किस लेवल की इम्पोर्टेंस है. क्योंकि एग्रीकल्चर नेशनल इनकम में तो कंट्रीब्यूट कर ही रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहा है. ओके, देन एग्रीकल्चर खाली नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट तक ही नहीं रुकेंगे, आगे बात करेंगे. तो यहाँ पे बेसिस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का बेस जो है वो भी एग्रीकल्चर सेक्टर ही है. क्यों? जो रॉ मटेरियल जनरेट हो रहा है, कॉटन, वुड, शुगरकेन, जूट, ऑयल सीड, कितने ऐसे रॉ मटेरियल हो गए, ये सारे जाते हैं इंडस्ट्री को और फिर इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होता है. रॉ मटेरियल कहाँ से जाते हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर से जाते हैं. जैसे यहाँ देखो, अगर रॉ मटेरियल नहीं जाएंगे, अगर एग्रीकल्चर डेवलप नहीं होगा, अगर एग्रीकल्चर में अंडर डेवलपमेंट होगी तो क्या होगा? इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल. क्योंकि एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट नहीं है. चलो एक केस लेते हैं, यहाँ पे हम कॉटन का केस लेते हैं. तो आपने सोचा था कि इतनी बारिश चाहिए आपको कॉटन का आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए फार्म पे, लेकिन बारिश ने आपको थोड़ा धोखा दिया और उतनी बारिश नहीं हुई. तो क्या हुआ? आपका कॉटन का आउटपुट जितना आना चाहिए था, अगर 100 यूनिट्स आनी चाहिए थी तो आपकी खाली 50 यूनिट्स आई. तो आपको अब उन 50 यूनिट्स में से कुछ यूनिट अपने लिए रखनी है, 10 यूनिट्स, बाकी 40 इंडस्ट्री को देनी है. पहले आप इंडस्ट्री को 90 यूनिट्स देते, अब इंडस्ट्री के पास खाली 40 यूनिट्स गई.
तो क्या हुआ, इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। अगर एग्रीकल्चर में ही अंडर डेवलपमेंट होगी तो वो रॉ मटेरियल उतना बनेगा ही नहीं, आउटपुट उतना देगा ही नहीं एग्रीकल्चर की, वो आगे रॉ मटेरियल की तरह इंडस्ट्री के पास जा पाए, तो उससे कौन हैम्पर होगा, इंडस्ट्री की ग्रोथ हैम्पर होगी, इंडस्ट्री के नॉट एक्सपैंड। तो ये सारा एक साइकिल जो आपको दिख रहा है, एग्रीकल्चर की वजह से ही इंडस्ट्री एक्सपैंड हो पाती है, और अगर अंडर डेवलपमेंट है तो इंडस्ट्री एक्सपेंशन में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इंडस्ट्री भी डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर पे, इसलिए भी एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। देन इम्पॉर्टेंस इन फॉरेन ट्रेड। अब बात हो गई इंडस्ट्री की, हो गई नेशनल इनकम, हो गई एम्प्लॉयमेंट, हो गई, अब बात करेंगे ट्रेड की, फॉरेन ट्रेड। तो एग्रीकल्चर सेक्टर वहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंस होल्ड करता है, क्यों, क्योंकि आप एक्सपोर्ट आइटम देखो, सीरियल हो गए, रॉ कॉटन हो गई, मरीन प्रोडक्ट्स हो गए, कहाँ से आ रहे हैं सारे। एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि जो एक्सपोर्ट में जाना है रॉ मटेरियल वो यहीं से आता है। तो ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस बहुत लिमिटेड है, उसका इंपॉर्टेंस फॉरेन ट्रेड में भी देखने को मिलता है हमें। ओके, देन हमारा आता है इम्पॉर्टेंस इन हाउस होल्ड कंजम्पशन। जो हाउस होल्ड कंजम्पशन हो रही है, जैसे आप देखो क्या है, हमारी कंट्री में पहले ही पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है, तो अगर लो पर कैपिटा इनकम है तो उसमें से भी जितनी इनकम अगर आपको 100 रुपीज़ मिल रहे हैं मंथली, ये बस एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, आप केस अज्यूम कर लो, तो अगर आपको 100 रुपीज़ मिल रहे हैं मंथली तो उसमें क्या हो रहा है, लार्ज प्रपोर्शन ऑफ द इनकम स्पेंट ऑन फूड ग्रेन्स, अराउंड 60% अप्रॉक्सीमेटली। तो क्या हो रहा है कि अगर आपको 100 मिल रही है तो उसमें से 60 रुपीज़ खाली आपका फूड ग्रेन पे जा रहा है, तो एजुकेशन, हेल्थ या किसी और चीज़ के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे बचते ही नहीं हैं। तो फूड ग्रेन्स पे बहुत खर्चा है, मेजर प्रपोर्शन ऑफ द इनकम इज स्पेंट ऑन फूड ग्रेन्स, और फूड ग्रेन्स कहाँ से आ रही हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर से। तो कौन दे रहा है हाउस होल्ड कंजम्पशन की आइटम, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है हमारे कंजम्पशन के लिए आइटम। ये जो आटा चावल ये सब आ रहा है कहाँ से आ रहा है, जैसे ही अनियन का प्राइस ऊपर होने लगता है, उसका सप्लाई कम होने लगती है, मार्केट से वो कम होते हैं, उनका प्राइजेस अप होता है, किसको प्रॉब्लम होती है, हाउस होल्ड कंजम्पशन में, हम लोगों को। तो एग्रीकल्चर सेक्टर यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। देन सिग्निफिकेंस इन ट्रेड एंड सर्विसेज, ट्रेड एंड सर्विसेज। अब कैसे, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर ना क्योंकि इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, इतनी लेबर है वहाँ पर, इतने लोग हैं, नेशनल इनकम में कॉन्ट्रीब्यूशन है, इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल जा रहे हैं, हाउस होल्ड के लिए कंजम्पशन आइटम जा रहे हैं, तो क्या है कि एग्रीकल्चर में अगर कोई क्रॉप बन रहा है, आउटपुट बन गया और लेबर ने अपना काम कर दिया, उसके बाद मार्केट तक जाने के लिए क्या ज़रूरी है, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट, आपने जब ट्रांसपोर्ट चलेंगे, जब आपका आउटपुट एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी आप एम्प्लॉयमेंट दोगे, वहाँ के जो ड्राइवर्स हैं, जो जिनके पास अभी काम नहीं है, जैसे ही आपका आउटपुट आया उनके पास काम आया, आपका आउटपुट एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का। ऐसे ही जब आपका आउटपुट बन गया, 100 यूनिट बन गई, आपकी मार्केट में सिर्फ 50 यूनिट जानी है, बाकी की 50 आप कहाँ रखोगे, गोदाम में, वेयर हाउसेस। तो वेयर हाउस का इम्पोर्टेंस बढ़ गई वहाँ पर, वेयर हाउस वाले में भी ऐसा नहीं है ना आप रख दोगे, वहाँ पे भी कोई लेबर होगी जो आपका सामान लोड करेगी, अनलोड करेगी, वहाँ पे रखेगी, उसको भी कुछ पैसे मिलेंगे, तो उधर एक तरीके का एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। ठीक है, उसके अलावा आपका कोल्ड स्टोरेज, जो भी आपका ऐसा सामान है जो ख़राब हो सकता है, पेरिशेबल है, उसको आप कोल्ड स्टोरेज में रखोगे, तो कोल्ड स्टोरेज की एक वैल्यू ऐड हो गई वहाँ पे, इंपॉर्टेंस आ गई वहाँ पे। उसके बाद आप देख सकते हो बैंकिंग, फिर पैसा क्रेडिट लोगे, लोन लोगे या पैसा दोगे, बैंकिंग सेक्टर आ गया कि फार्मर है, फार्मर ने बेचा, उसको पैसे मिल रहे हैं या वो उधार ले रहा है काम करने के लिए, तो बैंक का रोल आ गया। तो क्या हो रहा है आपके एग्रीकल्चर में ना सिग्निफिकेंस, मतलब एग्रीकल्चर इतना इंपॉर्टेंट है कि वो ट्रेड एंड सर्विसेज वो बाकी सेक्टर्स को भी अपने ऊपर डिपेंडेंट करता है, जैसे ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसेज एक्सेट्रा, इवन दीज आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में सब अच्छा चल रहा है, आउटपुट बहुत अच्छा आ रहा है, तो इन लोगों का भी सब अच्छा चल रहा है, और वहीं एग्रीकल्चर का आउटपुट हैम्पर हुआ तो इन लोगों में भी, यहाँ पे भी एक चेन टूटी आपकी, और यहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट में बीच में लूपहोल्स आने लगे, प्रॉब्लम्स होने लगी। तो अब आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर इस फील्ड में भी कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी ट्रेड एंड सर्विसेज और भी जनरेट कर रहा है वो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कितना बेनिफिट दे रहा है। तो अब आपको ये सारे पॉइंट्स जब आप पढ़ेंगे ना, एक बार अगर आप इसे दोबारा पढ़ें, दोबारा रिवाइंड करें या दोबारा समझने की कोशिश करें कि हम क्यों बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर का रोल क्या है, उसका रोल इतना क्रूशल है, इतना इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी में, कि एग्रीकल्चर सेक्टर के बिना बहुत सेक्टर्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है अगर एग्रीकल्चर में सब सही ना हो,
इसीलिए एग्रीकल्चर सेक्टर हमारी कंट्री में बहुत इंपॉर्टेंस होल्ड करता है, शायद जितनी वो बाकी में नहीं करता, यूके, यूएस, जापान, वहाँ इतना शायद वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट वो हमारी कंट्री में. तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर का रोल है. हमने देखे एग्रीकल्चर सेक्टर के फीचर्स कि वहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है, कितना लैंड है या फार्मर्स के लिए क्या है, वहाँ पे मशीन है नहीं है, ये सब हमने देखा. फिर हमने देखा एग्रीकल्चर सेक्टर का रोल नॉट ओनली स्पेसिफिक टू नेशनल इनकम कॉन्ट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयमेंट, बट ऑल्सो इंडस्ट्री की डेवलपमेंट में या ट्रेड एंड सर्विसेज में, फॉरेन ट्रेड में, हाउस होल्ड कंजम्पशन में. हमने छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर जगह देखा कि एग्रीकल्चर का रोल क्या है. इसीलिए एग्रीकल्चर सेक्टर एक सेक्टर में ही नहीं, हर सेक्टर्स में बहुत इंपॉर्टेंस होल्ड करता है. क्यों? क्योंकि वापस से स्टार्टिंग में ही आ जाते हैं, क्योंकि 2/3 पॉपुलेशन है जो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पर, 2/3, विच इज़ ह्यूज. और उसके अलावा 70% पॉपुलेशन आपकी रूरल सेक्टर में रहती है, तो उनके लिए एग्रीकल्चर ही उनका मेन सोर्स ऑफ सर्वाइवल बन जाता है. और एंड करेंगे, एग्रीकल्चर ग्रोथ हैज़ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन पॉवर्टी इराडिकेशन. अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ आ रही है तो गरीबी कम होगी. ये डायरेक्ट रोल है एग्रीकल्चर सेक्टर का पॉवर्टी इराडिकेशन में. इसी के साथ हमारा एग्रीकल्चर के फीचर्स और रोल्स वाला टॉपिक खत्म होता है. आगे इसको कंटिन्यू करते हुए हम एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में और बहुत सारी चीज़ें जानेंगे. अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. टिल देन टेक केयर एंड बाय.